हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईटेल ने इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो है आईटेल S42। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में और क्या आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए। दोस्तों, आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर आपको मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है और अपने प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों, अगर हम ध्यान दें इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ दिया गया 5.65 इंच की स्क्रीन 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये आता है। HD प्लस इसकी रेजोल्यूशन है, यानी कि 720x1440 का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और इसके ऊपर 2.5D कर्व ग्लास भी दिया गया है। दोस्तों, बात अगर हम करें परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको मिल जाता है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 1.4 GHz पे क्लॉक करता है और गेमिंग के लिए इसमें दिया गया GPU 308। दोस्तों, बात अगर हम करें कैमरास की तो यहाँ पे पीछे की तरफ और सामने की तरफ, यानी कि दोनों तरफ आपको दिया गया 13 MP कैमरा LED फ्लैश के साथ आता है और फुल HD रिकॉर्डिंग ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पे बुके इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट वाले पिक्चर्स भी आप इससे खींच पाओगे और कंपनी ने ऐसा कहा है कि इसमें आपको फेस अनलॉक का फीचर भी दिया जाएगा। दोस्तों, आईटेल S42 में दिया गया 3000 mAh की बैटरी और ये माइक्रो USB 2.0 के साथ आएगा। और बात अगर हम करें सेंसर की तो इसमें आपको 3 सेंसर मिल जाएगा जो है एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दोस्तों, आईटेल S42 आउटऑफबॉक्स एंड्रॉइड ओरियो के साथ आएगा जिसके ऊपर कस्टम UI दिया गया है। ये स्मार्टफोन डुअल सिम का सपोर्ट करता है प्लस यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी दिया जाएगा, यानी कि इसमें आप 2 SIM यूज कर पाओगे प्लस आप एक SD कार्ड भी लगा पाओगे 128 GB तक का। दोस्तों, बात अगर हम करें रैम, स्टोरेज और प्राइस की तो यहाँ पे 3 GB की रैम दी गई है, 16 GB की स्टोरेज दी गई है और प्राइस है स्मार्टफोन का 8,500 रुपए। इसे आप ऑफलाइन स्टोर से खरीद पाओगे। दोस्तों, अगर हम बात करें क्या आपको स्मार्टफोन को लेना चाहिए 8,500 रुपए खर्च करके, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 9,000 में आपको इन्फिनिक्स हॉट S3 मिल जाता है जिसमें आपको 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज दी गई है, 5.65 इंच स्क्रीन के साथ आता है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 20 MP का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया, ऑटोवर्क्स एंड्रॉइड ओरियो के साथ आता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे Redmi 5 के साथ तो Redmi 5 यहां पे सेल्फी कैमरा के मामले में इस फोन से पीछे रह जाता है, लेकिन बाकी सारी स्पेसिफिकेशन आप कंपेयर करोगे तो Redmi 5 भी 9000 में इससे काफी बेटर स्मार्टफोन है। दोस्तों, ऑफलाइन मार्केट को ध्यान में रखते हुए आईटेल ने यहां पे कोशिश अच्छी की है, लेकिन काफी सारा इंप्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। जैसे कि इसमें इनको कम से कम स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर देना चाहिए था, बैटरी 3,500 से लेकर 4,000 mAh के बीच रहनी चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो 16 GB का स्टोरेज है वो काफी कम है क्योंकि आपको आउट ऑफ बॉक्स सिर्फ 8 GB या 9 GB मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। कम से कम 32 GB की स्टोरेज इसमें दिया जाना चाहिए था। अगर ये सारे इंप्रूवमेंट के बाद अगर आईटेल इसे 9000 के प्राइस में भी अगर लॉन्च करता तो एक अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ सकता था। तो वीडियो के अंत में मैं आपको इतने कहूंगा दोस्तों, जब इसी प्राइस में आपको बेटर स्मार्टफोन मिल रहा है तो ऐसे में क्या आप अभी भी 8,500 रुपए देकर इस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे? आप ये बात मुझे कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।